मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द सेंटेंस चैप्टर नंबर 9 ग्रामर. व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन और व्हिच इज बीइंग स्पोकन अबाउट. एक सेंटेंस का दो पार्ट्स होता है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट. सब्जेक्ट सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, पर्सन होता है, थिंग होता है, वो है सब्जेक्ट और वो जो काम कर रहा है उसको बोला जा रहा है प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ये प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट हमें वो सभी बोलता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है, तब उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. तो जो प्रेडिकेट किसको कहता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट. कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द कार इज स्पीडिंग. तो द कार, ये सेंटेंस में द कार है सब्जेक्ट और इज स्पीडिंग, कार कैसा है, इज स्पीडिंग, ये सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, इसीलिए ये प्रेडिकेट है. इन द अबव सेंटेंस द प्रेडिकेट इज स्पीडिंग गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. ये जो प्रेडिकेट है ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. इफ ए सेंटेंस हैज अ ऑब्जेक्ट इट इज प्लेस आफ्टर ए वर्ब. अगर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है इसका स्थान जो होता है वर्ब के बाद में होता है. ये सेंटेंस जनरली फॉलोज द वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस का एक फॉर्मेट होता है. ये सेंटेंस का फॉर्मेट कैसे होता है? सेंटेंस का पहले बैठता है सब्जेक्ट, उसके बाद में बैठता है वर्ब और उसके बाद में बैठता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस. शर्मिष्ठा बेक्स केक्स. ये जो सेंटेंस है ये देखो, पहले शर्मिष्ठा, ये है पर्सन तो ये है सब्जेक्ट. बेक्स, ये केक्स को बनाने के लिए बेक्स करना पड़ता है तो बेक्स है यहाँ पे वर्ब और क्या बना रहा है? केक्स. ये केक्स है ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये है एक टोटल सेंटेंस का फॉर्मेट. इन अबव द सेंटेंस द ऑब्जेक्ट केक इज प्लेस आफ्टर द वर्ब. ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब के बाद में बैठता है. इन द मोस्ट केसेस द प्रेडिकेट्स कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. और ये जो प्रेडिकेट है ये सब्जेक्ट के बाद में बैठता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. तो यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस, इट इज योर होमवर्क. टाइप ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस आर कैटेगरीज एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये चारों सेंटेंस का टाइप्स होता है. What is the declarative sentence? The sentence that declare a fact or a statement are called declarative sentence. Declarative sentence किसको कहते हैं? जो sentence में कुछ statement हमें मिलता है और कुछ declare करता है तो उसको बोलते हैं declarative sentence. इसको और भी assertive sentence भी हम लोग कहते हैं. Declarative sentence are the part of two types, affirmative and negative. ये declarative sentence two type का होता है, affirmative and negative. Affirmative sentence are positive sentence and negative sentence are negative statements. ये जो affirmative sentence होता है ये positive statement देता है and negative जो statement है वो negative sentence में आता है. In the sentence given below, सेंटेंस वन इज अफर्मेटिव व्हाइल सेंटेंस टू इज नेगेटिव. ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल है देखो, मोहित लाइक्स टू प्ले टेनिस. ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ स्टेटमेंट दे रहा है कि मोहित क्या कर रहा है, टेनिस खेल रहा है. इसको हम बोल रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. एंड व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? मोहित डज नॉट लाइक टू प्ले टेनिस. ये जो है ये ना सूचक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. और पेज नंबर 73 का जो चेक योर प्रोग्रेस नंबर बी, यह है तुम्हारा होमवर्क. नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट दिस. सो अप टू यू. थैंक यू.